मनीषा जी, दूसरी बार की आप विधायक हैं, क्या ऐसा आप लोगों ने अभी किया? यहाँ पे जनता जानना चाहती है कि आपने क्षेत्र में ऐसा क्या किया जो आंकड़ों में न हो के जमीन पे हो, और आगे क्या कर सकती हैं बेहतर, वो भी अब जनता सुनना चाहती है, क्योंकि अगर जमीन पे होगी तो उसको भरोसा भी होगा। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद देती हूँ एबीपी गंगा परिवार के सभी सदस्यों का, हमारे जो जिले के संवाददाता हैं अमित श्रीवास्तव जी, क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ जब से आपके कार्यक्रम का ये महापंचायत का शुरुआत हुई, लगातार हमसे संपर्क में रहे कि आपको आना है कैसे भी करके, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बुंदेलखंड के विषय पर और जो अभी तक काम हुए हैं और जो वर्तमान में सरकार आगे हम लोग जिनको करने जाएंगे उस पर चर्चा एक महापंचायत के रूप में आप सब यहाँ कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की मैं बात करूँ तो लगातार 17 के पहले जब उस समय की जो सरकार थी और 17 के बाद जब से मैं वहाँ पर विधायक हूँ, जिस प्रकार से जो राट का क्षेत्र है, मेरी जो विधानसभा क्षेत्र है राट, आप सब लोग भी जानते होंगे, बुंदेलखंड के लोग अच्छे से जानते होंगे, हबीरपुर जनपद, हम लोग देखते थे कि वहाँ पर अगर किसी चीज़ से जाना जाता था तो सिर्फ अवैध खनन, वहाँ पर खनन हो रहा था और नदियों का किस प्रकार से उनके मतलब मैं कहती हूँ सीने को छलनी किया जा रहा था, और विकास की तो अगर हम लोग बात करें तो विकास के नाम पर तो कुछ होता ही नहीं था पूरे बुंदेलखंड में। जब से 17 में हमारी सरकार बनी, लगातार ऐसे जो मुद्दे रहे, मैं सबसे पहले बात करूंगी, चूंकि जब हम किसी भी कार्य को करने जाते हैं, विकास की जब बात करते हैं तो सबसे पहले परिवहन की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआत ही हमारी ट्रांसपोर्टेशन से होती है अगर हम कहीं किसी क्षेत्र में विकास को ले जाना चाहते हैं। हमारा जो राट, एक सेकंड में विषय पूरा कर लूं, राट हमारी तहसील है, राट से जनपद हमीरपुर को जोड़ने वाली जो मेन सड़क थी वो इतनी खराब थी। माफ कीजिएगा, ये वक्त में वक्त इसलिए क्योंकि वक्त की सीमा है, अगर आप परिवहन की बात करें, राट से परिवहन सड़क बन जाती है, उस सड़क पे क्या खनन माफियाओं के ट्रक दौड़ेंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं, मैं सिर्फ खनन माफियाओं की बात नहीं कर रही हूं, हम लोगों ने अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई है पूरे जिले में। जिस प्रकार से 17 के पहले अवैध खनन होता था, आप किसी भी खंड में जाकर के देख लीजिए, अवैध खनन पूरी तरह से रोका है, हम लोगों ने ओवरलोडिंग पे भी कार्रवाई की है। 5 साल से फरार था एसपी, अभी जाके जो है 5 साल से फरार था। महोबा में क्या हुआ? अवैध खनन की मामला था कबरई मंडी में और बुंदेलखंड में झांसी से लेकर लगातार चितूर तक अभी भी अवैध खनन हो रहा है, और केवल सत्ता संरक्षित लोग कर रहे हैं। आप सहमत हैं कि सत्ता संरक्षित खनन हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि बुंदेलखंड में आपने ये पंचायत का आयोजन किया है, और दूसरा एक मैं संशोधन भी चाहूंगा कि बार बार हमारे बुंदेलखंड को जो पिछड़ा कहा जा रहा है, अब हम लोग विकासशील बुंदेलखंड है, हम लोग विकासशील बुंदेलखंड है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अवैध खनन की जहां तक बात है तो देखिए, सीबीआई की जांच अभी पेंडिंग है, और किसके समय सीबीआई हुई थी सबको पता है, और उसकी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो कौन लोग जाएंगे अभी सब जान जाएंगे लोग बाग। तो ये सब सारी चीजें हैं, और अब हमारे पार्टी में प्रजातंत्र है, हम लोगों ने भी कई बार कहा है और उस पर नियंत्रण हुआ है, हमीरपुर में हमने स्वयं इशारा किया था और उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है। आज आप देखेंगे कि सब जगह माइनिंग जो हब्स बने हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, और उनका एक बाकायदे एक स्टेशन बना हुआ है जहां से उनका नियंत्रण हो रहा है। तो ये सारी चीजें नियंत्रण, पुरानी बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, जो पहले लोग संतृप्त से समाजवादी पार्टी के लोग, वही लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके का काम करने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। अगर विगत आप 2 महीने के भी हमीरपुर की कार्रवाई देखेंगे तो हजारों ट्रकों के खिलाफ और मुझे लगा दर्जनों जो खनन के मानते हैं कि कार्रवाई हुई है, कार्रवाई क्यों हुई अभी, यानी खनन है? जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, जिनका हमेशा आज का विषय पेशा रहा है, जहां उनके ऊपर भी कार्रवाई है। सवाल ये है, सवाल इस बात का है कि आज उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बुंदेलखंड में किस तरह से अन्ना पशुओं की समस्या है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था। मेरे जिले में, जिस जिले से मैं आता हूँ, वहाँ पर संयुक्त जिला चिकित्सालय, जिसमें कई बहनों की मृत्यु हो गई दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, ऐसी कई घटनाएं हुई जिसकी मैंने यहाँ से लेकर सड़क से लेकर सदन तक उस बात को की। हमारे जिले में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जो छुट्टा साण है किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी सरकार, पहली ऐसी सरकार जो किसानों को खाद नहीं दे पाई, डबल किसानों की या डबल कहने वाले लोग आज कहां गए? कितनी किसानों की या डबल हो गई? आज वही किसान बेचारा
और तो बात बताइए, जो अपने जानवर से अन्ना जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए जो लोग बाढ़ लगाते थे उससे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगाने का काम किया। अगर आप बाढ़ लगाएंगे, अगर आप बाढ़ लगाएंगे, बाढ़ लगाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। गौशालाओं ऐसे चल रही है, 8-8 महीने से भुगतान नहीं हो रहा, तो गौशाला कैसे चल रही है, कैसे उत्तर प्रदेश की गौशाला चल रही है? कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं है। मैं भी पहली बार विधानसभा, केवल विपक्ष के सत्ता पक्ष के लोग विधानसभा में झूठ बोलने का काम करते हैं। जब भी विपक्ष के लोग अपनी बात को कहेंगे, विपक्ष की बात को, अरे भाई प्रधान साहब, तो ये सारी समस्याएं, सारी समस्याएं जो आप गिना रहे हैं आपके समय में नहीं थी क्या? उस समय सब कुछ सही था। अभी सरकार कितनी संवेदनशील है, मैं कहता हूँ जनपद चित्रकूट में वहाँ के सीमा और सीमा भ्रष्ट है, जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक साल के अंदर कम से कम 200 महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों की डिलीवरी के दौरान मृत्यु हुई है, और कई बार डीएम से लेकर इस बात को विधायक जी, मनीषा आपसे बहुत सेंसिटिव ये सवाल है, यहाँ की जनता, क्योंकि वीरेश कह चुके हैं कि यहाँ नेता और माफिया में पता लगाना मुश्किल है कि कौन है, लेकिन जनता क्या सोच करके चुनती है? ये बदलाव तब आएगा जब एजुकेशन की बात आएगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। खनन का काम चाहे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।